ओके स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस टॉपिक मोलैरिटी के टॉपिक की कंटिन्यूटी है, प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। आज हमने इसको पढ़ना भी है और इसको बनाना भी है। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे मोलर सॉल्यूशन, इसको आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा इस बात की समझ आएगी। लेकिन अपनी बुक पे जो आपकी बुक में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पहले समझ लेते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं वन मोलर सॉल्यूशन। उस वन मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने डिसॉल्व करना है वन मोल, ठीक है, किस चीज़ का, सॉल्यूट का ऑब्वियसली, और डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट होगा वाटर। लेकिन इस तरह से डिसॉल्व करना है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो बने हमारा सिर्फ 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो अब ये 1 मोल कैसे पता चलेगा और उसको किस तरह से डिसॉल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब का बने, ये आप इसको प्रैक्टिकल, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। इसके अलावा इसमें यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसको देख लेते हैं। 1 मोलर ऑफ NaOH जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं एक कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सॉल्ट है जो लैब में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको टोटल 40 ग्राम्स चाहिए, यानी 40 ग्राम्स विल बी इक्वल टू 1 मोल। अभी हमने बताया कि हमने 1 मोल डिसॉल्व करना है, सो हाउ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम। हेयर यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ मोलर, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अगेन द एक्टिविटी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, आपने फर्स्ट चैप्टर में जो सीखा था मोलर मास कैलकुलेट करना, आपने उसकी प्रैक्टिस भी की है, यू ऑल नो। उसमें आप क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है मोलिक्यूलर मास, ठीक है। और उस मोलिक्यूलर मास को अगर आप लेंगे ग्राम्स में तो वो कहलाएगा 1 मोल, ठीक है। अब इसी 1 मोल से डील करते हुए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल में देखना है, जहाँ पे सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 एंड हाइड्रोजन का मास 1 है, तो ये हो जाएगा टोटल 40 ग्राम्स, ठीक है। अब इस 40 ग्राम को आपने किस तरह से लेना है, कैसे मेजर करना है और किस तरह से पानी में डिसॉल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो बने 1 डेसीमीटर क्यूब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ हाउ टू मेक 1 मोलर सॉल्यूशन विद एग्जांपल, ये आपने लर्न करना है पूरा यहाँ तक, ठीक है। और जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी इंक्रीज करती जाएगी, यानी अगर आपने 40 के बजाय 80 ग्राम्स ले लिया तो कॉमन सेंस की बात है कि उसकी जो है कंसनट्रेशन वो ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसनट्रेशन का आप कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड में। और जैसे जैसे आप अगर डबल कर रहे हैं या उससे डबल कर रहे हैं तो मोलैरिटी जो है 1 के बजाय 2 हो जाएगी। अगर आप 40 ग्राम्स ले रहे हैं तो 1 मोल है, अगर आप 80 ग्राम्स लेंगे तो ये 2 मोल्स होगा, ठीक है। ओके, अब इसकी इसमें लर्न करने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन में ये हाउ टू मेक क्वेश्चन बनेगा, हाउ टू मेक 1 मोलर सॉल्यूशन। और जो आपका इससे पहले वाला टॉपिक था मोलैरिटी में, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन मोलैरिटी एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि मोलैरिटी का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप सबकी बुक में यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है, उसमें आप अभी अपने हाथ से पेंसिल लिख लें, मोलैरिटी का यूनिट है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी डेसीमीटर क्यूब का अलग जो साइन है उसमें 3 के साथ माइनस साइन है। और इसमें से आपने जो याद करना है वो यही है इसकी डेफिनेशन एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय एम, उसके अलावा इसका फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला में से जो इसकी फाइनल फॉर्म है, रीफॉर्म है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, आप इसी को याद कर लें, दैट विल बी ओके, ठीक है। इसको फर्स्ट फॉर्म ना भी करें तो इट्स ओके। इसकी असल फॉर्म जो है जो अप्लाई होती है वो यही होती है मोलैरिटी की, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इस सॉल्यूशन को बनाते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो आपके डू टेस्ट योरसेल्फ हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसको भी साथ साथ सॉल्व करें और देखें, पूछें अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं समझ, अगर आपको समझ आ रही है तो ये बिल्कुल ही आसान
बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। इसमें से ऐसे याद करने वाला टेस्ट योरसेल्फ में से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।